हेलो दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर जब ये कंप्लीट हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। और फाइनली मेरे चैनल पे भी 2 महीना पहले ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है और अब तक मेरे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल पे कैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं। और 1000 सब्सक्राइबर बहुत बड़ा नंबर जरूर है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करके अपने चैनल पे वर्क करते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी तेज़ी में आपके चैनल पे कंप्लीट हो जाएंगे। और 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करना काफ़ी ज़रूरी भी होता है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद आपके चैनल पे बहुत सारा फीचर एलिजिबल हो जाता है। और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आपको दो चीज़ों की नीड होती है। पहला 1000 सब्सक्राइबर और दूसरा 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं ये तो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, बट पहले यहाँ ये समझते हैं कि आप अपने चैनल पे स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैंने अपने इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट किया, मैंने क्या क्या चीज को फॉलो किया, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा जिससे कि आप भी अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर आसानी से कंप्लीट कर सको। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसे मैंने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद मुझे 1000 सब्सक्राइबर काफी तेजी में कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 6 से 7 महीने में 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए। और ये 2-3 महीने तो मेरा ऐसे ही बीत गया था, मेरी लर्निंग हो रही थी, मुझे उतना पता नहीं था, 2-3 महीना मेरे ऐसे ही बीत गए, लेकिन 2 से 3 महीना में मैंने अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। तो मैंने क्या क्या किया सारी बातें बताऊंगा। तो 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे जो पहला काम करना होगा वो है कंसिस्टेंसी। तो दोस्त, जब भी आप अपने यूट्यूब पे काम करने की सोचो तो आपके पास कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम होना ही चाहिए। जब तक आप YouTube पे टाइम नहीं दोगे, अपने आप को जज नहीं कर सकते, अपने चैनल को जज नहीं कर सकते कि मेरा ये चैनल आगे ग्रो करेगा या नहीं, मेरा ये कंटेंट सही है या नहीं, इस कंटेंट में क्या क्या इम्प्रूव करना है। 1 से 2 महीने तो लर्निंग में चला जाता है, कम से कम 4 महीने का टाइम आपके पास होना ही चाहिए। और जब आप YouTube पे काम करना स्टार्ट करो तो आपको कंसिस्टेंटली काम करते जाना है, यानी कि डेली एक वीडियो डालना ही डालना है। स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि आपको बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो वीडियो को, लेकिन धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्सपीरियंस आता रहेगा। तो आपको कंसिस्टेंटली काम करते जाना है, यानी कि आपको प्लानिंग होनी चाहिए स्टार्टिंग में ही। आपको एक वीडियो डालना है तो डालना है, अगर आप प्लानिंग करके यूट्यूब पे नहीं काम करोगे तो फिर 2 से 3 महीना तो छोड़ दो, 2 से 3 साल में भी आपका चैनल ग्रो नहीं हो सकता, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, और कंसिस्टेंटली काम करने के लिए आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। आपको प्लान के साथ आना है कि मुझे डेली एक वीडियो डालना है तो डालना है, और किस टाइप की वीडियो डालना है ये भी जरूरी होता है। तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए जो दूसरा पॉइंट है वो है सेलेक्ट योर नीच। तो जी हाँ दोस्तों, आपको अपने चैनल पे नीच सेलेक्ट करना है कि आपको किस टाइप की वीडियो बनाना है। बहुत सारे लोग YouTube पे अलग अलग पर्पस से आते हैं, किसी को अपना ब्रांड बिल्डअप करना है, किसी को अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, किसी को अपना बिजनेस आगे ले जाना है, किसी को अपना आर्ट दिखाना है, किसी को अपना हुनर दिखाना है, किसी को कॉमेडी दिखाना है। तो आपको हमेशा स्टार्टिंग में ही सोच लेना है कि आप किस टाइप की वीडियो बनाओगे। जैसे मेरा चैनल को आप देख सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही सोच लिया था कि मेरा जितना भी वीडियो होगा वो यूट्यूबर के लिए होगा, और मैंने यहाँ पे सारा के सारा वीडियो यूट्यूबर के लिए बनाया है, यानी यूट्यूब रिलेटेड बनाया है। तो आपको हमेशा ये करना है कि आपको जो भी वीडियो बनाना है अपने सेलेक्ट से, अपने कैटेगरी से रिलेटेड बनाना है, और सर्चेबल टॉपिक पे बनाना है जिसे लोग सर्च करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जितनी भी वीडियो बनाया वो सर्चेबल है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, व्यूज कैसे बढ़ाएं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, ये सब बनाया। YouTube अपडेट के बारे में एक भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अपडेट आज आता है, आज वो देखा जाएगा, अगले दिन वो खत्म हो जाता है, अगले दिन कोई और अपडेट आता है, ये न्यूज है, ये अपडेट जो है एक न्यूज है, और मैं इस पे वीडियो नहीं बनाया हूँ। एक भी वीडियो यहाँ पे आप नहीं देख सकते हैं YouTube के अपडेट के बारे में। मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ ये एकदम सर्चेबल कॉन्टेंट है। और तो आपको स्टार्टिंग में सर्चेबल कॉन्टेंट बनाना है अपने कैटेगरी से रिलेटेड, और एक ही कैटेगरी की वीडियो बनानी है। ऐसा नहीं कि आज गेमिंग का वीडियो बनाया, कल ब्लॉगिंग का वीडियो बनाया, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा सोच लेना स्टार्टिंग में ही कि आप लोगों को एंटरटेन करना चाहते हो या फिर लोगों को एडुकेट करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, हमेशा सोच के बनाना है, यूट्यूब पे काम करना है। अगर आप इस तरह से काम करोगे तो 1000 सब्सक्राइबर तो काफ़ी तेजी में कंप्लीट हो ही जाएंगे, और आपका चैनल इतना तेजी से ग्रो करेगा जितना आप सोचे नहीं होगे। तो मैंने भी स्टार्टिंग में यही चीज़ को फॉलो किया था, और मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो गए।
और 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने के लिए जो तीसरा पॉइंट आता है वो है इम्प्रूव योर कंटेंट, यानी कि आपको हमेशा अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते जाना है। स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि उनका कंटेंट 100% परफेक्ट नहीं बन पाता, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते आपका कंटेंट परफेक्ट हो जाता है। जैसे पहले मुझे भी कंटेंट बनाने में काफी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने कंटेंट में सुधार किया और अभी भी सुधार करता हूँ। अभी भी मेरा कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं धीरे धीरे सुधार करता हूँ। लेकिन मैंने खुद में ये एक्सपीरियंस किया है कि पहले की अपेक्षा मेरा कंटेंट अच्छा होता है और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब कुछ कम प्रॉब्लम होती है। तो अब जितना ज़्यादा YouTube पे वर्क करोगे आपको अंदर एक्सपीरियंस आता जाएगा और आपका जो डर है ना वो भी खत्म होता चला जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना 100% देना है। आप 100% दोगे तो आपका वीडियो कम से कम उतना तो जरूर हो जाएगा कि लोग 50% देखें। और अगर आपका कोई वीडियो 50% देखता है तो आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस होते हैं। YouTube के पास पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि इस बंदे की वीडियो में कुछ तो ऐसी बात जरूर है, तब तो लोग इनकी आधी वीडियो को देखते ही हैं। तो आपको हमेशा अपना 100% देना है। अगर आप 100% दोगे तो आपका चैनल पर कंटेंट इंप्रूव होते जाएगा और आप जितना काम करोगे, डेली वीडियो बनाओगे, डेली वीडियो को अपलोड करोगे, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर एक्सपीरियंस आता जाएगा और आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा और आपका कंटेंट भी इंप्रूव होते जाएगा। और सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए जो चौथा पॉइंट है वो है से टू सब्सक्राइब, यानी कि आपको अपने सब्सक्राइबर से सब्सक्राइब करने को बोलना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सब्सक्राइब करने को बोलते ही नहीं, जिससे कि होता क्या है कि लोग भूल जाते हैं, जो ऑडियंस होता है वो भूल जाता है। आपने जो वीडियो में बताया है वो इन्फॉर्मेशन को देखते रह जाता है, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाता है। तो आपको सब्सक्राइब करने को जरूर बोलना है हर वीडियो में, लेकिन मैं बता दूं कि आपको कब बोलना है। सब्सक्राइब करने को तभी बोलना है जब अपने आप को आप प्रूव कर दो, यानी कि कंटेंट देने के बाद बोलना है, कम से कम एक मिनट के बाद बोलना है। जब आप बता दो कि मैं ये देने वाला हूँ, इससे आपको ये फायदा होगा, तब जाके आप सब्सक्राइब करने को बोलो। अगर आप अपने आप को प्रूफ कर दोगे कि मैं आपके सब्सक्राइब करने के लायक हूँ, तो ऑडियंस आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको इस तरह से बोलना है। और अगर बोलने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह का एनिमेशन भी लगा के लोगों से सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं, लेकिन आपको 1 से 2 मिनट के बाद करना है, अपने आप को प्रूव करने के बाद करना है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना है। मैंने बहुत को देखा है, लोग आते हैं और बोलते हैं कि हेलो मेरा नाम ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इंट्रो देना है, इंट्रो में आपको बताना है कि आप क्या देने वाले हो, इससे ऑडियंस को क्या फायदा होगा। और जब आप इंट्रो बता दो उसके बाद आप चैनल सब्सक्राइब करने को बोलो, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप देखना आपके सब्सक्राइबर काफी तेजी में इंक्रीज होने लगेंगे। और सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए जो सबसे मेन काम है वो है SEO। जब आप स्टार्टिंग में YouTube पे आते हो तो आपके पास कोई भी सब्सक्राइबर नहीं होते, यानी कि आपके पास 0 सब्सक्राइबर होते हैं। और 0 सब्सक्राइबर में व्यूज कैसे आता है? 0 सब्सक्राइबर में व्यूज तभी आता है जब आपकी वीडियो लोगों तक जाएगी। और लोगों तक वीडियो जाने के लिए आपको 2 चीज़ें होना जरूरी है। पहला तो YouTube सर्च में वीडियो जाती है या फिर YouTube उसे सजेस्ट करता है, यानी YouTube सजेशन में या फिर YouTube के सर्च में। तो सर्च में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको SEO करना पड़ेगा। और सजेशन में जाने के लिए मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरे इसी टॉपिक पे आने वाली है कि आप अपनी वीडियो को सजेशन में कैसे भेज सकते हैं, जिससे कि आपके चैनल पे 0 सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज आता रहेगा। लेकिन मैं यहाँ बात करता हूँ SEO के बारे में, जिससे कि आपका चैनल जो है, आपकी वीडियो जो है सर्च में जाए। तो आपको करना क्या है? आपको स्टार्टिंग में अपना SEO अच्छा करना है। और SEO के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे टाइटल हो गया, टैग हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, थंबनेल हो गया, सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि वीडियो के कंटेंट भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आपको जब भी आप वीडियो बनाओ तो उसका टाइटल हमेशा सर्चेबल होना चाहिए। जैसे अगर आपका टॉपिक है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, जैसे मेरा ये वाला वीडियो जो है इसका टॉपिक है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो मैं इससे रिलेटेड 5 से 6 कीवर्ड निकालूंगा। कीवर्ड निकालने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा वेबसाइट है, और टैग के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप कीवर्ड निकाल सकते हैं, कैसे टैग निकाल सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो उस कीवर्ड में आपको देखना कि किस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा है। ठीक है, BidIQ एक एप्लीकेशन है, वहां से आप देख सकते हैं जिस भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, आपको वो वाला कीवर्ड जो है वो अपने टाइटल में लगाना है, यानी कि अपने टाइटल में वही कीवर्ड डालना है जो सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं, यानी कि सर्चेबल बनाना है। ठीक है, और उस कीवर्ड को आपको डिस्क्रिप्शन में लगाना है, अपने टैग में लगाना है, और इससे वीडियो रैंक करता है। आपको सही तरीके से टाइटल लिखना है, सही तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना है, सही तरीके से टैग लगाना है, और इन तीनों चीजों के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है कि आप टाइटल कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं, टैग कैसे
लगा सकते हैं, टैग कहां से फाइंड कर सकते हैं, सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो आपको हमेशा ये काम करना ही है, सही तरीके से अपने चैनल पे एसईओ करना है हर वीडियो का। और आपको एक काम और, अगर आपका वीडियो कहीं पे जाता है, ठीक है, आपने आपका वीडियो सर्च में जाता है तो वहां पर क्या देखा जाएगा, सर्च में जाने बाद आपका थंबनेल, आपका थंबनेल काफी अच्छा होना चाहिए। अगर थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे, सर्च में वीडियो जाएगा लेकिन क्लिक नहीं करेंगे, और क्लिक नहीं करेंगे तो फिर आपका जो वीडियो है धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगा, सर्च में जाना भी बंद हो जाएगा। और अगर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपका कंटेंट सामने आता है, तो आपका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, कंटेंट अच्छा नहीं होता है, वीडियो के अंदर आपने जो बताया है वो सही नहीं है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि लोग उस वीडियो को देखेंगे नहीं, इससे आपका ऑडियंस रिटेंशन डाउन हो जाएगा और यूट्यूब उस वीडियो को सर्च में भेजना बंद कर देगा। तो यहाँ बहुत सारा चीज़ मैटर करता है कि आपका वीडियो सर्च में जाए। वीडियो का टाइटल होना चाहिए अच्छा, सर्चेबल होना चाहिए, टैग अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, थंबनेल अच्छा होना चाहिए, और उस वीडियो पे वॉच टाइम अच्छा मिलना चाहिए, तब जाके कोई वीडियो सर्च में जाता है। तो आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से करना है। और मैंने जो बताया है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, इस पर वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आप अपने चैनल पे 4000 आवर घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो इन दोनों वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। वैसे मैं इस वीडियो को यहाँ पे लगा भी देता हूँ इंडर स्क्रीन में, इस पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम काफी तेजी में कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा और आप अर्निंग करना स्टार्ट भी कर दोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।